अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक है, फिट फाट? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक फिट फाट खैरो आफिस से होंगे। यार वेलकम बैक आप सबका अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का व्लॉग गैंग जो उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आज मैं बातें बड़ी बोलूँ, उसकी वजह यह है कि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजे का, सुबह 3 बजे का टाइम, और आपका भाई उठ के ना बैठ बूट गया, रेडी शेडी हो गया। उसकी वजह यह है कि यार आज हम जा रहे हैं मामू को छोड़ने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट। मामू ने आज वापस सऊदी अरब ही जाना है, तो मामू को छोड़ने छोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है यार जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। आज का व्लॉग हम बड़ी तमीज़ के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी तमीज़ का मुजाहरा दिखाता हूँ कि ये देखें सारा सोफा खाली पड़ा और आपका भाई इसके ऊपर बैठ के तमीज़ के मुजाहरे के तमीज़ के दायरे के अंदर रह के व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। आपका भाई सोया शोया कोई नहीं है यार, ऐसे ही मुँह उठा के तो व्लॉग व्लॉग करना शुरू कर दिया, ठीक है। खैर वेलकम बैक हो गया अब सबका एंड ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर दोबारा से। और भी लाइक और सब्सक्राइब करके मारी मस्तियां व्लॉग गैंग को कर लो ज्वाइन यार, लाइक सब्सक्राइब लाजमी क्या करो। आपका भाई यार आपको कह कह के थक गया, आप कोई भी नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, आप यार कोई फायदा फुदा नहीं हो रहा यार, कर दिया करो कोई बात नहीं, कर दिया करो, ठीक है। अभी रेडी शेडी होना, हमने कपड़े शपड़े चेंज करने, सलवार कमीज पहन के जाएंगे आज। उसकी वजह यह है कि मामू ने मुझे बोला यार मेरी पाँव क्यों दर्द करती है। अच्छा छोड़ो, मामू ने मुझे बोला कि यार पैंट शर्ट नहीं तुम शलवार कमीज पहन के जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं वही जब कह रहे हैं कि शलवार कमीज पहन के जाओ तो हम भी पहन के जाएंगे। अभी यार चाचू लियाकत जो वो एहतशाम के जो पापा हैं उनको लेने के लिए गए हुए हैं, एक साथ वाला गाँव है ना वहाँ से लेने के लिए गए हुए हैं, वो उनका उधर घर है ना, तो वो उस घर से उनको लेने के लिए ना चाचू लियाकत गाड़ी ले गए हैं, उनको लेके अभी आते हैं, फिर हमने भी निकलना है। हमारे पास सिर्फ है अभी वो देखें टाइम टाइम पूरा हो रहा है, हमारे पास सिर्फ ना 15 से 20 मिनट है, हमने उसके अंदर रेडी होना है, फिर हमें निकलना है, ठीक है। अभी रेडी शेडी होते हैं तो फिर निकलते हैं यार, मामू के लिए दुआ करनी है आप सब निकलता है, उनको खैर आफियत से लेके चला जाए, जहाज़ उनका लैंड हो जाए सऊदी अरेबिया में, तो खैर अल्लाह ताला उन पर अपना फसल करो। और अपने जितने लोग प्रदेश में रहते हैं, जितने लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, अपने घर वालों से फैमिली से दूर है, रिलेटिव से दूर है, ठीक है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करो, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहमो करम फरमाए, ठीक है। चलिए अब रेडी शेडी होता हूँ तो निकलते वक्त फिर आपसे मिलता हूँ, अभी रेडी शेडी हो लूँ कपड़े शपड़े चेंज करके तो फिर आपसे मिलता हूँ। लियाकत लोग आ गए हैं बाहर, गाड़ी लेके हैं, वो दिखाता हूँ गेट खुलने के लिए, अभी भी लेके अब निकले गए एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट दिखाऊंगा आपको जाकर पूरा माहौल शोर क्या सीन शीन क्या होता है, एयरपोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद शायद हम इस्लामाबाद भी जाए कुछ सामान शामान लेने हैं, वो भी लेने के लिए चलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या सीन शीन होगा। वो बाहर हैं, वो सामने खड़े हैं, वो गाड़ी देखिए ये वाली, वो खड़े हैं सामने बैठे हुए, मामू भी अंदर मिल रहे हैं सबको, मामू निकल के बाहर रहते हैं, मैं इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा, रात का टाइम है, सब सो रहे हैं इर्द गिर्द के जितने भी हैं ना सब सो रहे हैं, तकरीबन 3 बजे का टाइम रहता है अभी सब गाँव में ना, देखिए लाइटें शाटें हुआ सारा सारा स्विच ना, सब सो रहे हैं, मैं ही जाग रहा हूँ, बस है कैमरा देख रहा मुझे कि मामू शौकत ने देख रहे हो, मुझे मामू ने देख लिया तो मुझे जूते पक्के हैं, बाकी थोड़ा साइड पे हो जाते हैं ना ताकि सेट पे हो जाओ, कैमरा भी ना देख रहे, कैमरा भी मुझे देख लेगा, जहाँ भी जाते हो कैमरा देख ही लेते हैं, और मामू पीछे से आ रहे तो मामू भी ना देख रहे, ठीक है। अब चलते हैं यार एयरपोर्ट, तो निकल के एयरपोर्ट पर जाकर डायरेक्ट भी आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अगर तुम वहाँ पर शॉर्ट में ले लूँगा लास्ट भी ले लूँगा, ठीक है। तो बाकी जो इस्लामाबाद में होगा सीन आपको दिखाता हूँ फिर। एयरपोर्ट पर दिखाता हूँ कुछ सारा सीन चीन, वहाँ पे ना कुछ दिखाता हूँ कुछ बना हुआ यहाँ पे कैबन कैबन, देखते हैं क्या मोचल होगा वो सीन चीन क्या होगा। अरे हाय दुनिया देख रही क्या कुत्ते काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम हमने करना ही करना है, फिर कोई बात नहीं है, पूरा मोल छोला सारा सीन चीन यहाँ पे है, वो देखो ये सारा बड़ा लेवल का बनाया हुआ है यहाँ पे, ये गार्डन एरिया सारा, वो कैफेटेरिया वगैरह कॉफ़ी शॉफी पीते हैं चल के, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, पूरा मोल छोला है, वो सामने जो है ना वो लैंडिंग एरिया और वो फ्लाई एरिया वो सामने है, बाकी सारा मोल सलाब देखते हैं। चलते हैं अंदर, मामू वाला इंतजार कर रहे हैं, अभी जाकर देखते हैं क्या सीन सीन होगा, फिर जो भी चबल चुबल बाज की मार देंगे ना बजे तो फिर घर चलेंगे। इस्लामाबाद जाना, मेरे को सामान सामान लेना था, वो मामू बुला रहे हैं मुझे कि आज वो, लेकिन हम भी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब दिल करेगा चले जाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। आवाज़ पता नहीं आपको क्लियर आ रही हो कि नहीं आ रही हो। चलते हैं साइड में, मामू मारे घूम के, मामू को ढूंढ रहे, मामू पता नहीं किधर चले गए हैं, वो रश बना हुआ काफ़ी, तो वो आगे पीछे हो गया, मिल ही नहीं रहे, पता नहीं किस जगह पर चले गए, वो यहाँ पे देखते हैं शायद उस एरिया में होंगे, वो सारा मोल छोला यहाँ पे है सर, से वो साइड पे होंगे, तो जाके देखते हैं क्या, पता नहीं कहाँ चले गए यार, मिल मुल रहे, आज रश बड़ा है ना, काफ़ी अरसे के बाद देख रहा हूँ कि रश काफ़ी लगा हुआ है यहाँ पे, रश रुश में बंदा मिलता ही नहीं है, बंदा पता नहीं चला कहाँ पे जाता है,
चलते हैं यार आगे जाके देते हैं क्या सीन होगा। दुआ करें मैं मामू मिल मुल जाए ना मिले तो पार्किंग का मुझे पता है मैं पार्किंग में चला जाऊंगा। बाकी अच्छे एयरपोर्ट है काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। के मज़े ले रहे हैं कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं वो देखो सारा सीन नहीं यहाँ पे। लिफ्टों पे बच्चे मज़े ले रहे हैं वो कभी जा रहे हैं वो देखो पठानों के बच्चे कभी आ रहे हैं पता नहीं किस खेड में लगे हुए हैं। चलो यार मामू को ढूंढते हैं आके मामू वाला अगर मिल जाए मामू कॉल करो तो मामू का नंबर भी बिजी जा रहा है नंबर भी नहीं लग रहा है यार नंबर लग जाए तो पता चल जाता है कि क्या सीन है। मैं देख रहा हूँ कि मामू की कॉल ना साथ में जा रहे कॉल आ गई तो उनके पास चले जाएंगे। मिलना मुझे लगता है पार्किंग में इधर तो मिल नहीं सकते मामू क्योंकि यहाँ तो रशी बड़ा है। क्या मौसम है सीन है बाकी मौसम आप देखो यार एयरपोर्ट आपको मैंने घुमा के पूरा छोड़ना है दिखा के छोड़ूंगा आज आपको आप भी परेशान हो कि बंदा क्या क्या काम कर रहा है लेकिन मैंने घुमा के ओए पुठे टाइम से आ गए पुठी जगह से यहाँ से रस्ते रुस्ते बंद है सारे अल्लाह करे मिल मुल जाए ना भी मिलना तो कोई नहीं ढूंढ लेंगे हम ढूंढ लेंगे। अरे सीन छी ना यहाँ पे यार वो किसी की ना गाड़ी उठा रहे रॉन्ग पार्किंग में थी ना तो वो देखो गाड़ी उठाई हुई किसी की रॉन्ग पार्किंग में थी तो रॉन्ग पार्किंग में लगा के निकल जाते हैं लोग तो वो उठा लेते चलो चलते हैं पार्किंग में जाके तो मामू को ढूंढते हैं। बाकी आप वो दिखाओ वो गाड़ी लेके जा रहे हैं पूरा माहौल चला यहाँ पे वो किसी गाड़ी जा रही है ये भी किसी की चलते हैं यार बाहर तो पार्किंग दिखाते हो पार्किंग का माहौल चल गया या फिर वहाँ पर खड़ा हो जब दिखाता हूँ सीन छीन क्या है वहाँ पर है वो देखो वो बंदे पीछे पीछे इनकी गाड़ी है वो ढूंढ रहे हैं कि हमारी गाड़ी है वो बंदा क्या जो आएगी उसकी गाड़ी है वो आएगा कि देखेगा कि मेरी गाड़ी गैब है फिर वो जाएगा उधर अपनी गाड़ी छुड़वा के लाएगा। ये देखो वो लेवल के सीन यार नॉट बैड यार बहुत अच्छा है सूरज भी निकल रहा है ना अभी 6:30 का टाइम अभी नमाज भी नहीं पढ़ी आज नमाज भी पढ़ते जा कज़ा पढ़ेंगे नमाज अब नमाज पढ़ के चलते हैं पार्किंग में तो पार्किंग में जाकर से मिलता हूँ। मैं आ गए हैं ये जा रहे हैं मामू लोग भी आ गए मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ बंदे बड़ी सेल्फियाँ सुल्फियाँ ले रहे हैं यहाँ पे हैं पठान बड़े खुश होते हैं एयरपोर्ट पे आके मामू पठान बड़े खुश होते हैं एयरपोर्ट पर आके आ गया लीचे पठानियाँ कौन खुश होने पठानियाँ नहीं यार ब्लॉग भिजवाना नहीं पठान यार बड़ी खुश होते हैं आगे ना पठान अजीब खुशी में मुबतला होते हैं बेचारे आगे देखने वाले तो ज्यादा खुश होते हैं ना यार मामू जो है ना वो थोड़ा सैड पे हो रहा है मैं जरा बचपुच के रह रहा हूँ पता नहीं क्यों बच के रह रहा हूँ गड्डी शड्डी कितने थे है जी है गली थे गड्डी धुप नहीं थे गले चल चली है चल चलते हैं घर ही यार तो घर जाके देखते हैं क्या सीन होगा दिखा दो आपको पार्किंग पुर्किंग पूरा मॉल शोल है ये सारा सीन है ये देखो पूरा लेवल का वो फौजी जा रहा है वो देख रहा था पता नहीं ये क्या काम कर रहा है मुझे लगा दिल्ली चपेड़े मारना शुरू कर दिया लेकिन नहीं मारी मुझे चपेड़े कि भाई आपको पता एक लेवल है कि भाई को दुनिया जानती है नहीं जानती यार मैं मजाक कर रहा हूँ पूरा सीन छिन यहाँ पे चलो चलते हैं घर यार तो घर जाके मिलते हैं फिर आपसे। तो अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है मामू को छोड़ के वापस आ गया मामू कॉल पे कॉल कर रहे हैं कहाँ पहुँचे हो निकल गए हो नहीं निकले हम निकल ही आए हैं गाड़ी के ना वाइपर ख़राब हो वाले वो वाइपर लगवाने हैं मैं और जो लियाकत और मामू अपनी कार पे मसरूफ अभी हम कलर कार पहुँच गए ये कलर कार सारे एरिया पूरा सीन सीन है ये वो लिखा हुआ कलर कार ए वो देखो ये रोड कलर कार जाता है सारा कलर कार का रोड है ये सारा चकवाल के एरिया जितना अभी हमने जाना है जो सदन शायद हम इस रोड पर जा रहे हैं घर घर चलते रास्ते में नाश्ता नुश्ता कर रहे हैं नाश्ता नुश्ता करते हैं रास्ते में तो फिर देते क्या सीन चलेगी भूख बड़ी टकाक लगी हुई यार है तो नाश्ता करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे नाश्ता शाश्ता कैसा होता है नाश्ता का सीन क्या और नाश्ता कैसा बनाता है दिखाता हूँ वो पराठे शराठे बड़े लेवल के होते हैं इनके और चाय वगैरह बाकी अंडा शंडा जो भी होगा सालन होगा जो बड़ा लेवल का होता है वो खाते पीते हैं देखते हैं क्या सीन होता है पता तो है कि अच्छा ही है पठानों का होटल है कुछ तारे कुछ चलते हैं अभी जाके खाना खाते हैं तो फिर ही आपसे मिलते हैं। भाई घर पहुंच गए यार गए हुए थे हम एयरपोर्ट पे तो थक गया हूँ यार कपड़े छोटे पहने हुए थे वो चेंज करके अभी मैं सो गया था आके यार थक गया हूँ बड़ा सख्त किस्म का यार पता नहीं क्यों थक गया आज घूमते के ना सोया हुआ था अभी भी जागो चलो ठीक है जागते ही व्लॉग को मैंने देखा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया चलो ठीक है व्लॉग को एंड करना ही बनता है तो व्लॉग को एंड करने के लिए हमने अभी व्लॉग शुरू कर दिया यार एयरपोर्ट गए हुए थे बड़ा थक थक गया था आपका भाई यार बड़ा ना
घूम फिर हम इस्लामाबाद जाना था घूमने के लिए, कुछ सामान लेना था वो भी नहीं ला सके आज, तो वो भी रह गया हमारा। अब दोबारा हम इस्लामाबाद जाना है। खांसी लग गई यार, फ्लू सा हो गया पता क्या, मौसम सर्द गर्म था ना तो उसकी वजह से फ्लू श्लू हो गया। चलो ठीक है कोई गल नहीं, आज हमने ब्लॉग भी अपलोड करना है तो टाइम भी अभी आपको दिखा दूँ, वो देखें टाइम। टाइम अभी हो रहा है जी 7 बजने लगे हैं और 8:30 बजे ब्लॉग भी पब्लिक करना है, तो वो भी टेंशन अलग होती है। ठीक है तो आप लोग को एंड कर रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी मस्ती हम लोग को कर लो ज्वाइन यार। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके फिर।